दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट है और ये मैंने अमेज़न से मंगाया है और इसमें एक वाटर कूलर है। तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है नाम से तो, और आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका प्राइस भी आपको दिखाता हूँ। ये जो है मिल्टन कंपनी का है और यहाँ पर प्राइस जो है 624 रुपीज़ है, आप देख सकते हो। और ये मुझे 624 का ही पड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसमें पानी भर के रखोगे तो आपका पानी ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहेगा और थोड़ा सा नॉर्मल गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये 11 लीटर वाला है तो इसको मैं अभी अनबॉक्स कर लिया हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है आपको डब्बा के अंदर, और इसको चलिए फटाफट से इसमें निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ है, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है और इसका बेसिकली क्वालिटी वगैरह कैसा है और आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आपको वीडियो के आगे पता चलने वाला है। तो इसको मैं प्लास्टिक से निकाल चुका हूँ यहाँ पे और इसका मैं आपको लुक दिखाता हूँ कैसा ये दिखता है। और यहाँ पे प्लास्टिक पूरा रैपर लगा है, आप देख सकते हो पूरा प्लास्टिक से इसको मतलब लपेट दिया गया है और काफ़ी मतलब ये स्टडी था और थोड़ा बहुत भारी भी था, तो आपको वजन भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो चारकोल रखा हुआ है, इसके अंदर चारकोल है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे इस ऐसा सामान आता है उसके अंदर वाइट वाइट सा रहता है, बट इसके अंदर चारकोल भरा हुआ है, तो मैं बाद में इसको फाड़ के देखा था तो इसके अंदर चारकोल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एक ढक्कन भी है और इसके अंदर एक ग्लास भी मिलता है आपको पानी वगैरह पीने के लिए। और इसका ग्लास का मतलब आप सोच रहे हो आपको कैमरा में छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, बट एक्चुअली है नहीं, थोड़ा सा ये मतलब एक ग्लास होता है ना ग्लास के आधा है, तो आप समझ सकते हो काफ़ी सही है। और अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो इससे पी सकते हो और फिर वापस इसी में छुपा सकते हो, तो काफ़ी सही चीज़ है ये। और इसको मैं पानी भर के भी आपको दिखाऊंगा, पहले आपको लुक दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये एक्चुअली में। और यहाँ पे इसका वज़न भी आपको दिखाता हूँ, तो पहले वज़न आप देख लीजिए। और यहाँ पे इसका जो मैं अभी डिजिटल वेल्बिंग मशीन पर रख चुका हूँ और यहाँ पे इसका जो वेट है 1 किलो 439 ग्राम के इसका आसपास वज़न है। तो चलिए फटाफट से अब इसके अंदर इसका लुक वगैरह देख लीजिए आप कैसा है बेसिकली ये दिखता है। और इसका जो मटेरियल है काफ़ी हार्ड है और काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन तक चलने वाला है, जल्दी फूटने वगैरह वाला नहीं है, अगर हाथ से गिर गया तो आप समझ रहे होंगे फूट जाएगा तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पानी भर लेता हूँ फटाफट से और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि पानी भरने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरा पानी जो है भर चुका है, चलिए ढक्कन को फटाफट से बंद करते हैं और इसका प्रेशर वगैरह आपको दिखाता हूँ कितना मतलब तेज से पानी गिर रहा है। तो मैं पानी भर के और जैसे ही नल को चालू किया थोड़ा सा धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन थोड़ा देर के बाद काफ़ी तेज़ गिरने लगा और काफ़ी सही है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। और मुझे 624 का पड़ा है, आपको बता ही दिया हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।